दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी विचित्र बातें हो जाती हैं कि अचंभा होता है, कैसे हो गया ये। और वहाँ पे तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंज होता है जहाँ पे कोई क्लिनिकली बोगस केस हो और कोई मिरेकल सामने आ जाए, है ना, चौंकाने वाली बातें। एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, बहुत रिसेंट, मेरे ख्याल से अभी 6 महीने भी नहीं हुए होंगे इसको। एक महिला, बहुत पूजा पाठी, बहुत ही पाइस लेडी, सात्विक परिवार, संस्कारी परिवार, किसी चीज़ की कमी नहीं घर में। मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक कमी, संतान सुख की। और उस संतान सुख के लिए उन्होंने, मैं नहीं समझता, कोई तीर्थ छोड़ा हो, कोई उन्होंने अनुष्ठान न किया हो, कोई तांत्रिक पूजाएं नहीं करी हो, कोई गृह शांति के लिए कोई क्रम उपक्रम नहीं करे हो। अपनी जान में जो भी चीज़ें हो सकती थी, जो भी उनके कंधे के भार के बराबर की चीज़ें थी, मैं नहीं समझता कुछ छोड़ा होगा उन्होंने। मेरे कांटेक्ट में थे ही वो लोग, पूजा करती ही थी कहीं कोई। मैंने बहुत सरल सा उनको बताया, मैंने कहा देखिए, जहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं, बोगस केसेस होते हैं, तो सब कर रही हैं आप, एक किसी एक देव को पकड़िए, और सबसे अच्छा कि कृष्ण भगवान जी को पकड़िए, और कृष्ण जी भगवान जी का बाल स्वरूप, जो बाल रूप हो, जो कोई भी सुंदरतम रूप जो आपको भाए, जो बसा रहे 24 घंटे आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आँखों में, ऐसा रूप, ऐसा कोई उनका फोटो मिल जाए या उनका कोई मूर्ति मिल जाए, जो भी चीज़ें हैं उनको बाल कृष्ण जी के रूप में देखें या लड्डू गोपाल के रूप में देखें, जो भी देखें आप उनको स्थापित कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि ये जो चीज़ें मिलती हैं ये वाली, ये अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में जाएंगे तब उनमें बाल स्वरूप का वर्णन और बाल स्वरूप वर्णन की कैसे पूजा अर्चना करी जाए, वहाँ बड़ा अच्छा विधान दिया गया है। और बड़ा लंबा चौड़ा प्रक्रिया है इसकी, मगर देखिए उस लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाएंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट साधनाओं में अगर जाते हैं तो एक तो मन उचाट होने लगता है, और फिर अगर कार्य सिद्धि नहीं हो तो फिर मन में पता नहीं कैसे कैसे उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो इसलिए सबसे सरल सहज रूप में, जिस रूप में भी करा जाए उसको करें। देखिए क्या चमत्कार क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स क्लिनिकली बोगस केस बता रहे थे, एक डॉक्टर मिले, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा पर्पसली, वो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उनका टेस्ट ट्यूब भी हुआ एक। ये तो एक आम बात है, क्लिनिकली ऐसे मिरेकल होते रहते हैं जो जहाँ पे बोगस केसेस हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स सामने आए हैं जहाँ पे ऐसे केसेस थे और उनको संतान हुई टेस्ट ट्यूब बेबी से, वो तो बिल्कुल अलग प्रक्रिया। मगर ये बड़ा यूनिक केस है कि इसके 3 साल बाद, 3 साल भी पूरे नहीं हुए, 2.5 और 3 वर्ष के बीच की बात है, वो लेडी कंसीव कर गई। डॉक्टर से मेरी चर्चा हुई इस विषय में, डॉक्टर कहने लगे कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये मेडिकल साइंस के लिए, और ये एनाटॉमी ऐसा शरीर बनाया है कि हार्मोनल डेवलपमेंट जो बिल्कुल डोरमेंट हो गए, जो बिल्कुल इनएक्टिवेट हो गए, जो डेड सेल्स हैं वो रीजनरेट कर जाती हैं, जो हार्मोन्स जो बॉडी नहीं पैदा कर रहा था वो हार्मोन्स पैदा होने लगे। तो वो ममत्व का प्रभाव, यानी कि उसके जो पहली लड़की हुई थी संतान उसके, तो लड़की संतान की उसका इतना ममत्व छलक आया उसके अंदर कि उस ममत्व के कारण सारे के सारे जो उसके हार्मोन्स थे फिर से रीजनरेट हो गए सारे के सारे, और वो कंसीव करके 2.5 वर्ष में। तो कितना मिरेकुल उस चीज़ हुई उसके जीवन में। तो ये इसका जो मैंने उसको बताया था जो उन्होंने किया, कोई भी व्यक्ति, देखिए अगर संतान सुख की कामना है, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि संस्कारी संतान हो, बौद्धिक संतान हो, बलशाली संतान हो, निरोगी संतान हो, जो वंश की वृद्धि करे, जो वंश का आगे नाम करे, कुलदीपक कहलाए, तो ये कुलदीपिका कहलाए, ये हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है ना। वो उनको जो मैंने बताया, ये बाल स्वरूप जो कृष्ण का जो वर्णन किया मैंने, देखिए इसमें कुछ सामग्री मैंने उनको, उन्होंने तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ उन्हें, मैंने कहा आप कुछ मत करिए,
एक अपने बेडरूम में जहाँ सोती हैं आप, कृष्ण जी का एक बाल स्वरूप चित्र टांग लीजिए, जैसा भी हो अपना, जो आपको अच्छा लगे। और सुबह जिस समय उठती हैं तो सबसे पहले उनके दर्शन कीजिए, रात में जिस समय सोने लगती हैं तब उनके दर्शन कीजिए, मात्र इतना। और केवल एक प्रार्थना, एक याचना उनसे करिए कि हमें भगवान प्रभु संतान सुख दे, हमारा वंश वृद्धि करे, हमारा वंश आगे चले। इस भावना से आप नित्य ये दो टाइम आप अपना ये नियम बनाइए, अपनी आस्था पैदा कीजिए। हफ्ते, 10 दिन, 15 महीने भर किया उन्होंने, उनके मन में पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली अपने मन में उनके भावना जगने लगी, कृष्ण जी का बाल स्वरूप लड्डू स्वरूप घर ले आए। वो मेटल कप था, वो सिल्वर तो नहीं था, सिल्वर कोई मेटल था वो वाला, वो लाए, उन्होंने उसको स्थापित कर लिया, वो शुरू कर दिया उन्होंने। फिर मैंने उनको उसकी पूजा का विधान बताया, मैंने देखिए आप अगर कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से पूजा कीजिए, आपको और फलीभूत होगा। इसमें जो हमारा जो सामान लगता है, जो उनके भोग के लिए, उनके वस्त्र के लिए, उनके अलंकरण के लिए, उनके फूलों के लिए, बड़े सामान्य सी चीज़ें हैं, सब जानती हैं, पंचामृत है, फूल है, धनिये का भोग लगता है विशेष रूप से, धूप है, दीप है, सूखे मेवे हैं, दूध की बनी मिठाई है, नारियल है, चावल है, कुमकुम है, अष्टगंध है, उनके वस्त्र हैं, उनका सौंदर्य प्रसादन है। जिस रूप में, जिस तरीके से, जिस भाव से, जिस भावना से, जितनी भी सामर्थ्य है आपकी, बस तन मन धन से रम जाइए उसमें। वो जो बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी का रूप है उसमें रम जाइए, और आप देखिए आपको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। ये दिन मुहूर्त, वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ मुहूर्त को, जब कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो अगर कर रहे हैं तो मुहूर्त चुनिए, जो भी आपको अच्छे से अच्छा मुहूर्त लगता है इसमें कीजिए, गणपति जी का आह्वान कीजिए। हमारे हिंदू सनातन में कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी हम कोई किसी चीज़ का हम नया काम शुरू करते हैं, कोई भी हम संकल्प लेते हैं, गणपति जी का आह्वान करते हैं, गणपति जी को ध्यान करते हैं, गणपति जी को इष्ट बना के तब काम आगे करते हैं। गणपति जी का ध्यान कीजिए, जिस भी रूप में, जिस भी तरीके से गणपति जी की पूजा हो सकती है, अर्चना हो सकती है, स्नान से, ध्यान से, उनके वश से, उनके भोग से, लड्डू प्रिय है गणेश जी को, उनको लड्डू अर्पित करके पूजा अर्चना कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। और जो आपने श्री कृष्ण जी का स्वरूप रखा हुआ है, जो भी है, चाहे वो लड्डू गोपाल स्वरूप है, चाहे कृष्ण जी का कोई भी बाल स्वरूप है, देखिए ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो कृष्ण जी का स्वरूप है वो अगर बैठा हुआ स्वरूप है वो शुभ होता है, नंबर एक। और नंबर दो, कृष्ण जी की कभी पीठ नहीं दिखनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कहीं दीवार के सहारे, आपका ऐसा मंदिर जो दीवार के सहारे टिका हुआ है, तो उनकी पीठ दीवार के साइड में उनको ढक दीजिए, पीठ को दिखाई नहीं देना चाहिए बाल गोपाल जी की। तो ये कुछ बंधन है इसमें, ये शास्त्रोक्त है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और उनको, उनकी पूजा कीजिए, उनको नहलाइए, उनको स्नान कराइए, उनको वस्त्र धारण कराइए, उनको अलंकरण कीजिए, उनका जिस भी सुंदरता से उनको सजा सकते हैं सजाइए, उनको जो भोग सामग्री है उनको भोग सामग्री अर्पित कीजिए, और संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का तरीका होता है कि हाथ में जल ले लिया, गंगा जल ले लिया, थोड़े से चावल ले लिए अक्षत, और मन में अपनी कामना दोहराई। जैसे फॉर एग्जांपल इशू को रिलेटेड है आपकी, तो संतान से लेके कामना दोहराइए, और दोहराने के बाद में वो चावल और जल धरती पर छोड़ दीजिए। ये तो नियम जो आप नियमित रूप से करें, और जो जो विशेष पर्पस है संतान सुख की कामना, तो संतान सुख की कामना के लिए सबसे अच्छा जो इनका मंत्र है वो मंत्र का जाप करें, और इस जाप को करने से पहले एक नियम बना लें, जो संकल्प लिया था उस संकल्प में ये भी शामिल कर लें कि नित्य सूर्य को अर्ध देंगे, मंत्र का जाप करेंगे, और देव को जिस भी तरीके से, जो भी आपने मूर्ति स्थापित करी है, नित्य जैसी भी अपने जैसा भाव है आपके, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपका समय है, जैसे आपकी लगन है, जैसे आपकी आस्था है, उनका नियमित रूप से कुछ ना कुछ करते रहें। इतना नियम बना लीजिए आप, सूर्य को जिस समय अर्घ्य देते हैं, पहली बार जिस समय प्रारंभ करें, जैसे जो संतान सुख की कामना से कर रहे हैं, ये उनके लिए तो है ही, जो जैसे बताया, जैसे ऐसे बिल्कुल बोगस केसेस से क्लिनिकली, मगर वो व्यक्ति भी
जो नव दंपत्ति हैं, विवाहित नव दंपत्ति हैं, वो भी अगर इस तरीके से अगर श्री गणेश करते हैं संतान सुख के लिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे उनको। सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, एक नारियल जो जिसमें जल होता है, जल वाला अंदर नारियल गोला जो भी बोलते हैं आप, वो ले लीजिए ज्वाइंटली पति पत्नी दोनों जने मिलके, सूर्य के सामने उसको फोड़िए, उसका जल गिरेगा, जल जो गिरे उसमें से जल का कुछ अंश लेके किसी पात्र में रख लीजिए, लोटा हो गिलास हो साफ सा, उसमें ये जो इसका जल निकलता है इसका गोले का वो ऐड कर लीजिए, और सूर्य देव को 7 बार अर्ध दीजिए। अर्ध ऐसे दीजिए कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जल से छन के शरीर पर पड़े, चाहे तो दोनों ज्वाइंटली कर लें, पति पत्नी मिलके कर लें, या पहले पत्नी कर ले पति कर ले, या पहले पति कर ले पत्नी कर ले, वाइस वर्सा। और सूर्य के 7 नाम जप करें 7 बार, मंत्र केवल एक, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। मन में बस धारणा वही कि प्रभु संतान सुख की हमें हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण करे। जहाँ पे जल गिरे उसको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से स्पर्श करें, और जो भ्रकुटी में जो दोनों भावों के मध्य में जो सेंटर पॉइंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे होती है, वहाँ पे लेके हल्का सा दबाव दें, उसको दवाएं स्पर्श करें। सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो आभा है, सूर्य का जो तेज है, महसूस करें कि सारा का सारा आपके शरीर में समा रहा है। आपका जो 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 आपका शरीर है बिल्कुल दिव्य रूप हो गया, जैसे जैसे सूर्य की लालिमा, जैसे जैसे प्रातःकाल की लालिमा दिखाई देती है सूर्य की, ऐसा तत्व दिखाई देने लगा, सारे का सारा शरीर आपका एनर्जाइज हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। बस 7 बार मंत्र बोलें, 7 बार जल गिराएं, जल को स्पर्श करें, और जो गोला का जो 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 बचता है गोला फूट के, उसको प्रसाद स्वरूप दोनों जने ग्रहण कर लें, ये किसी और को नहीं बांटना, दोनों जने ही लें। और इसके बाद में फिर एक नियम बना लें, चाहे 1 बार चाहे 2 बार चाहे 3 बार, मंत्र है कि इस मंत्र का सतत जाप करें, ये इतना करना ज़रूरी है। इसमें एक शब्द अंत में आता है गतः, जो पुरुष अगर इसको जाप कर रहे हैं तो वो गतः ही बोलेंगे, गतः बोलेंगे, अगर महिलाएं जाप कर रही हैं तो वो गतः के स्थान पे गतः जपेंगी, बस इतना संबंधन। ये दोनों अलग अलग समय निश्चित कर लें, कोई जो भी समय की सुविधा हो, आगे पीछे जो भी समय हो उनका, 1 बार करें 2 बार करें, नियम बना लें कि कम से कम 1 माला नित्य जाप करें। और माला में भी विधान है, इसके लिए कहते हैं कि पुत्र जीवा की माला बड़ी शुभ होती है संतान सुख के लिए। नाम इसका पुत्र जीवा है, मगर मैं इसको पुत्र से संबंधित नहीं मानता, मैं इसको संतान से संबंधित मानता हूँ, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो चाहे लड़का हो, उससे मतलब नहीं, संतान सुख के लिए। तो ये बहुत अच्छी माला है, हरिद्रा की माला ईजली मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। और अगर नहीं है तो फिर इसका विकल्प हल्दी के छोटे छोटे बीट्स बना लें, जो बड़े होते हैं काट के छोटे छोटे बीट बना देंगे, उसमें छेद कर लें, उसको पीले रंग के धागे में पिरो के 108 मनके डाल के हल्दी की माला बना लें, हरिद्रा माला कहलाती है। और अगर वो भी संभव नहीं है तो जो भी माला है उसको हल्दी के घोल में जब से पहले पानी में डिप कर लिया करें, 1 बार कर लिया, फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद फिर इसको हल्दी के पानी में डिप कर लिया, इसका कलर येलोइश हो जाएगा, रंग का हो जाएगा, इसका पीले रंग का हो जाएगा। इस मंत्र से, इस माला से, ये जो मंत्र बता रहा हूँ इसका जाप करें, और बस इतना, और आप देखिए कि कितना मिरेकुलस आपको इफेक्ट दिखाई देगा। ये मैं मंत्र धीरे धीरे बोल देता हूँ, आप इसको कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको। और मैं नीचे भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, भी कोई कट नहीं आती है तो वहाँ से देख सकते हैं आप। ओम श्रीं क्लीं ग्लीं ग्लौंग देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। बस वही बंधन, गतः पुरुष जपेंगे, और जब स्त्रियां जपेंगी तो गधा के स्थान पर गधा बोलेंगी, मात्र इतना। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो गोपालाजी के YouTube में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।